राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने अपना सरनेम बदल लिया है। बता दें कि जयंत चौधरी ने अपने नाम में बिश्नोई जोड़ लिया है। अब आप सोचेंगे, अब तक तो शादी के बाद महिलाओं का सरनेम बदला जाता था या जुड़ता था, भला आप आदमी लोग सरनेम क्यों बदलने लगे? पहले आप जरा उनकी ट्विटर प्रोफाइल देखिए। पहले यहाँ जयंत चौधरी लिखा रहता था, लेकिन अब इसमें जुड़ गया है बिश्नोई, यानी जयंत सिंह बिश्नोई। लेकिन सरनेम में बिश्नोई जोड़ने का यह फैसला जयंत चौधरी ने सिर्फ एक महीने के लिए ही लिया है। जैसे ही उनका सरनेम चेंज हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल करने लगे, पूछने लगे कि भला सरनेम में बिश्नोई जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई। खास तौर पर उनकी टाइमिंग को लेकर सवाल किए जाने लगे, क्योंकि एक बिश्नोई ऐसे हैं जिनकी आज के वक्त में काफी चर्चा हो रही है। वो है लॉरेंस बिश्नोई, जिनका दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में मास्टरमाइंड बताया है, यानी मूसेवाला की हत्या रची लॉरेंस बिश्नोई ने। अब जब जयंत चौधरी से इसी परिपेक्ष में पूछा गया कि भैया आपने बिश्नोई अपने नाम में क्यों जोड़ा, वो भी ऐसी टाइमिंग पर जब एक बिश्नोई यानी लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या का आरोप है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। दो कारण थे जिससे मैंने ट्विटर पे अपने हैंडल में परिवर्तन किया है, बिश्नोई नाम को जोड़ा है। बिश्नोई मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है, उस पहचान आप शायद नहीं जानते होंगे, मेरी माता जी खुद बिश्नोई थी काठ मुरादाबाद क्षेत्र में, और मेरे नाना नानी पूरा परिवार बिश्नोई ही लिखता था। दूसरा, अब जो घटनाक्रम अभी हाल में हुआ, मुझे ये मैसेज मिला कि बिश्नोई समाज अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक आपराधिक गिरोह को समाज के नाम से जोड़ा जा रहा था और लोग यही महसूस कर रहे थे कि हमें टारगेट किया जा रहा है। तीन चार दिन पहले जो मेरे मौसी जी के बेटे हैं राहुल बिश्नोई जी, मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ बैठ रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह की भावनाएं आ रही हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी नैतिकता और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे वक्त पर एक स्टैंड लूँ। तो सांकेतिक तौर पर मैंने नाम जोड़ा है, मेरी भी पहचान का ही हिस्सा है, और कम से कम एक चर्चा हुई है। लोगों के आँखों के आगे से जो पर्दे हैं जातिगत आधार पर हम लोग बटे रहते हैं, वो भावनाएं ऐसी हैं कि उनसे ऊपर उठने का वक्त है। तो जयंत चौधरी का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम कत्ल में आने की वजह से उनके पूरे समाज को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिश्नोई सरनेम उनकी पहचान का हिस्सा है और ये उन्होंने सांकेतिक तौर पर किया है। दरअसल जयंत चौधरी को आपत्ति इसी बात पर है कि बिश्नोई समाज को अगर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के नाम से जाना जाएगा तो बहुत लोग इससे आहत होंगे। हम सब की संवेदना उस परिवार से जुड़ी हुई है और किसान आंदोलन में उनकी विशेष भूमिका रही। उनके गीतों के माध्यम से बहुत लोग प्रेरित हुए, आगे आए, और हम चाहते हैं उस परिवार को न्याय मिले। लेकिन जिसने भी अपराध किया है वह समाज का हिस्सा नहीं है, और समाज के नाम से अगर उनके गैंग को जाना जाएगा तो उससे बहुत लोग और आहत होंगे, और ये ऐसा समाज है, हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं एक नौजवान हूँ और युवाओं के लिए और अगली पीढ़ी के लिए सबसे जीवंत मुद्दा है हमारा पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन। जिस विषय को लेकर जितना सजग ये समाज है शायद देश में और कोई नहीं है। ये बोलते भी हैं और आंदोलन भी करते हैं ऐसे विषयों को लेकर, तो इसलिए समाज के प्रति जो मेरे एक श्रद्धा भाव थे, सम्मान था, मैं उसे भी व्यक्त करना चाहता था। अच्छा, एक बात लोग कह रहे हैं कि बिश्नोई जो समाज है उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में तो है ही, जहाँ से आपने कहा कि मुरादाबाद से आपकी माता जी आती हैं, हरियाणा भी और राजस्थान भी, तो कहीं ये एक तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कहीं आप विस्तार की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? जो मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, जो मेरा आज स्थान है, मैं मानता हूँ कि मुद्दों पर मुझे स्टैंड लेना चाहिए, और एक नैतिक नेतृत्व देने की क्षमता हर एक के अंदर होती है। और जिस तरह बिश्नोई समाज अपने मुद्दों पर 29 सिद्धांतों पर समाज में एक नैतिक नेतृत्व देता है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब मैं अगर अध्यक्ष हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी का तो मैं एक सकारात्मक मैसेज दूँ। तो जो लोग ये समझना चाहते हैं कि सिर्फ मैसेजिंग के लिए है, वो भी इस बात को समझ लें। कम से कम एक चर्चा हुई है और एक विषय मैंने छेड़ा है, मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इसको पहचान ले, और ये मेरे मूल स्वभाव में है, जो मेरी पहचान है, जो मेरे अपने लोगों की जो पहचान है। मैं यही मानता हूँ कि परंपरागत ढांचे में निरंतर परिवर्तन लाने की एक मूल इच्छा है जो हमारे अंदर हमेशा से रही है, सवाल पूछना।
पुरानी व्यवस्थाओं में अगर कोई कुरीतियाँ आ गई हैं जिस कारण से हम कमजोर हो रहे हैं, तो उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश करना। और ये हिम्मत सिर्फ मुझ में नहीं है, बहुत लोगों में है। चौधरी चरण सिंह जी अगर बड़ौद के उस समय जाट कॉलेज में खड़े होकर कह सकते थे कि शिक्षण संस्थानों में जाति सूचक नाम नहीं होने चाहिए, और फिर सरकार में आके उन्होंने नियम बनाया, आज वो एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है, जनता विद्या कॉलेज के नाम से जानी जाती है। तो ये आत्मविश्वास हम सब में है कि हम सवाल पूछें। अच्छा, तो ये क्या माना जाए कि ये व्यक्तिगत एक तरीके से ये निर्णय तो था ही, व्यक्तिगत आपने फैलाव दिखाया, क्या एक राजनीतिक फैलाव की तरफ भी संकेत है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित माना जाता है राष्ट्रीय लोकदल को? क्या इसके बाद और भी कुछ विस्तार देखने को मिलेगा? हर एक फैसले का कुछ ना कुछ आधार होता है। ये मेरे लिए एक इमोशनल डिसीजन था। मेरी माताजी का जन्म इसी महीने में है, इसलिए जून के महीने के लिए मैंने ये निर्णय लिया है, और एक सांकेतिक निर्णय है, क्योंकि 29 जो सिद्धांत हैं उनका सबका पालन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन में एक श्रद्धा भाव था, उसे मैंने व्यक्त करना चाहता था। बाकी हर डिसीजन का मायने पॉलिटिकल भी होता है, सामाजिक भी होता है, और अगर मेरे इस फैसले से समाज में आगे चर्चा बनी है और उसका राजनीतिक हमें लाभ मिलता है, अगर कोई भी किसान के विषय पे हमारे साथ जुड़ता है, तो इससे हमारी ताकत बनती है। ट्विटर पर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं मेरे नाम में चौधरी अजीत सिंह जी की इच्छा अनुरूप कुमार भी है। माता जी की स्मृति में और शांति प्रिय बिश्नोई समाज के सम्मान में जून माह के लिए ट्विटर पर नाम जोड़ा है। ऐसे वक्त जब धर्म और जाति पर आधारित बंटवारों पर चर्चा है, शायद कुछ लोगों के आंखों से पर्दा उठ जाए। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाब के मशहूर सिंगर हैं, उनकी 29 मई को गोली मार कर हत्या कर दी गई। पंजाब पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ब्रार का हत्या में हाथ है। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई करीब एक साल से तिहाड़ जेल में ही हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन पर मकोका लगाया हुआ है। अब मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को मास्टरमाइंड भी बता दिया है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई इसीलिए भी पुलिस की रडार पर है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सलमान खान के लिए एक धमकी भरा नोट मिला था। इस नोट में लिखा था, मूसेवाला जैसा कर दूंगा। ये नोट मुंबई के बैंडस्टैंड प्रोमेनाड के उस बेंच पर मिला जिस पर सलमान खान आम तौर पर अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद बैठते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।